कोठी मीना बाजार पटाखा एसोसिएशन ने दिया ज्ञापन, पुलिस प्रशासन पर लगाया भेदभाव और अवैध वसूली का आरोप। पुलिस द्वारा पटाखा दुकानदारों से मांगे गए फ्री में पटाखे, दुकानदारों ने की पटाखा बेचने से किया मना, फ्री में पटाखे न देने पर पुलिस करती थी दुकानों को बंद। धर्मेंद्र धाकड़ ने बताया कि वे स्वयं आगरा अपर कमिश्नर केशव चौधरी को मौखिक रूप से बताया था कि कोठी मीना बाजार की फील्ड में प्रशासन अवैध वसूली करता है और दुकानदारों को बहुत डराते धमकाते हैं। दुकानदारी नहीं करने देते, हमें अच्छे से दुकानदारी करने दें और हमारे भी परिवार को दीपावली मनाने दें, लेकिन उसका कोई असर देखने को नहीं मिला, बल्कि खूब दुकानदारों से अवैध वसूली हुई जिसके कारण दुकानदार घाटे में रहे। अध्यक्ष प्रहलाद चक ने बताया कि वहीं मेरे द्वारा सभी दुकानदारों के हक में आवाज़ उठाई गई, पुलिस प्रशासन का विरोध किया गया, कोठी मीना बाजार की फील्ड 10 बजे बंद कर दी गई और GIC की फील्ड 12 बजे भी धड़ल्ले से चल रही थी। जब मैं वहां से लाइव वीडियो चलवाई और SP मयंक तिवारी को कहा और उन्हें मौके पर मैं लेकर गया, तब जाकर कहीं वह फील्ड बंद की, एक फील्ड को 10 बजे बंद कर दिया गया। देखिए, दिवाली पर हर वर्ष मेरी दुकान लगती है पटाखे की। पिछली बार कोठी मीना बाजार में 80 दुकान लगी थी, जिसमें 73 नंबर की दुकान मेरी थी। इस बार भी मेरी कोठी मीना बाजार में दुकान लगी थी। हम लोगों ने पटाखे का लाइसेंस लिया था, जिसमें 11,000 रुपये शुल्क कोठी मीना बाजार का था, 2,000 रुपये रेड क्रॉस सोसाइटी का था, 2,500 रुपये फायर ब्रिगेड का था। हम लोगों को 5 दिन का लाइसेंस मिला था, जिसमें हमको अनुमति रात्रि 10 बजे की सभी आगरा के टोटल जितनी भी 12 फील्ड हैं और 300 कुछ दुकान लगी थी, सबको 10 बजे तक का लाइसेंस मिला था। तो हम लोगों ने एक दिन पहले अपर कमिश्नर केशव चौधरी जी से मिलकर के मौखिक रूप से मैंने खुद से उन्होंने कहा था कि हमको 1-2 घंटे एक्स्ट्रा की मोहलत दे दी जाए, जिससे कि हमारा माल बिक जाए, क्योंकि पूजन करने के बाद ही ग्राहक बाहर निकलता है, पूजन से पहले कोई नहीं निकलता है, क्योंकि पिछले साल हमारा माल बच गया था, तो इस साल हमारा माल बिक्री हो जाए। हम लोग ब्याज पे कर्ज पे पैसे लेकर के आए थे और ब्याज के पैसों से हम लोगों ने दुकान लगाई। उसके बाद में वहाँ पर पुलिस प्रशासन हमसे फ्री में पटाखे लेने आता है, थैली ले लेकर के, और जब हम लोग पुलिस के लिए फ्री में पटाखे नहीं देते हैं तो हमारी दुकान को बंद करवा दिया जाता है, चलने नहीं दिया जाता है, बार बार हमें परेशान किया जाता है। हमारी दुकान कोठी मीना बाजार की पूरी फील्ड 10 बजे प्रशासन के द्वारा बंद करवा दी गई थी, क्योंकि हमने फ्री में पटाखे नहीं दिए थे। लेकिन 12 बजे तक बगल में ही 1 किलोमीटर पर GIC की फील्ड है, GIC की फील्ड धड़ल्ले से 12 बजे तक चल रही थी। जब वहाँ से मैंने लाइव वीडियो चालू करवाई और जब मैंने ACP साहब को इस बारे में अवगत कराया, तब जाकर के कहीं ACP साहब मयंक तिवारी जी ने 12 बजे कोठी मीना बाजार की फील्ड को बंद कराया। तो हम जैसे दुकानदारों के साथ में इस तरह अत्याचार ना हो, क्योंकि हमारा भी पेट है, हमारे भी बच्चे हैं, हम भी बच्चों के लिए मेहनत करते हैं। क्या पुलिस के लिए तनख्वाह नहीं मिलती, क्या सरकार तनख्वाह नहीं देती? जब सरकार तनख्वाह देती है तो पुलिस फ्री में हमारी दुकानों पर लूट क्यों मचाती है? अगर लूट करनी है तो बड़े बड़े गोदामों पर जाओ, जो करोड़ों की सेल करते हैं। हम लोग 50,000 रुपये ब्याज पर साहूकारों से पैसा लेकर के दुकान करते हैं, और जिसमें कि हम 2-2, 3-3 रात अपने घर नहीं जाते, हम इन बच्चों की खातिर मेहनत करते हैं, लेकिन हमारे पेट पर लात मार करके प्रशासन हमको दबा करके, क्योंकि प्रशासन जानता है कि 2 दिन हम लड़ेंगे या दुकानदारी करेंगे, उनको पता है कि ये दबे कुचले हुए व्यापारी हैं, ये मजबूरी में देंगे ही देंगे। इसलिए मैंने तो कसम खा ली है कि मैं आज के बाद कभी भी पटाखे का व्यापार नहीं करूँगा, पटाखे की दुकान नहीं लगाऊँगा। और ये UP की पुलिस है साहब, इसका कुछ नहीं बताए, ये तय करती है कि गोली भेजे में जाएगी या गोली पैर में जाएगी, ये एनकाउंटर भी कर देती है। और मुझे भी डर है कि आज मैंने पुलिस के खिलाफ़ बोला है तो होने वाले कुछ समय में मुझे भी पुलिस किसी ना किसी झूठे मुकदमे में या तो जेल भेजेगी या मेरा एनकाउंटर करेगी। मैं एक व्यापारी हूँ, मैं एक दुखी व्यापारी हूँ, मेरा बहुत आघात हुआ है, मेरा बहुत ही ये समझ लो बहुत ज़्यादा मुझे टॉर्चर किया गया पुलिस के द्वारा। मैं कसम खाता हूँ कि यूपी के अंदर, आगरा के अंदर आज के बाद कभी भी पटाखे का व्यापार नहीं करूँगा, और अपने बीवी बच्चों को लेकर के या तो यहाँ से पलायन कर जाऊँगा या मैं आत्महत्या कर लूँगा, क्योंकि मुझे बहुत प्रशासन ने बहुत दबाया है। मैं प्रहलाद कुमार चक है, मैं कोठी मीना बाजार का पटाखा बाजार एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ। इस बार हमारे व्यापारियों का काफ़ी नुकसान हुआ है, 1 व्यापारी का 1.25 लाख का बैग चोरी हो गया, 1 व्यापारी का जो माल जब पुलिस के द्वारा समय से पहले दुकानें बंद करा दी, तो दुकानें बंद होने की वजह से उसको हृदयघात हुआ है, जो हॉस्पिटल में एडमिट है। प्रशासन से हमने बहुत रिक्वेस्ट की कि कुछ समय हमें भी दीजिए, मिठाई वालों की दुकान बंद नहीं होती, कपड़े वालों की भी दुकानें 10 बजे पहले बात खुलती रहती हैं। जब गाइडलाइन सारे बाजार की है, क्या पटाखों की सारी गाइडलाइन लगती हैं? मैंने कई अधिकारियों को ज्ञापन दिया, मिलके खुद पर्सनल बोला, लेकिन उस पर कुछ नहीं हुआ। तो पटाखा लगाने और बेचने से जब दिल दुखी हो गया है, आज के बाद मैं भी पटाखे के व्यापार से हाथ जोड़ के नमस्कार करता हूँ। धन्यवाद। मानसी जाकर पापा ने पटाखों की
रात में एक बजे पापा बहुत रो रहे।